अमेरिका का न्यूयॉर्क, देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का गवाह बना। यही न्यूयॉर्क परसों इमरान खान और उसके पाकिस्तान के लिए कुनैन की गोली साबित हुआ था, जिसे ना पाकिस्तान निगल पाया और इमरान वे तो रूजवेल्ट होटल तक कार में बैठने के बावजूद भी ऐसे लग रहे थे मानो पैदल जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के मदरसों से निकली मुगल छाप टीम किसी तरह तैमन संभाल कर अपने ठिकाने तक पहुंची। दरअसल पाकिस्तान से आई यह भिखारियों की वह मंडली थी जो अमरीकी सड़कों पर होमलेस के बोर्ड लिए बैठे लोगों से मैच करती है। इस वक्त यह लोग दुनिया में वर्ल्डलेस हैं, मतलब चीन को छोड़कर कोई भी देश इनकी तसरीफ तक का विश्लेषण नहीं करना चाहता है। ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी ने इन्हें भीख देने के लिए बुलावा भेजा हो, फिर बाद में छुट्टे नहीं है कहकर चलता कर दिया है। अब रही सही कसर भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कर दी है। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार पाकिस्तान के अकल ठिकाने लगाने की खुली छूट दी, उससे पूरे पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। मोदी तो पहले से ही इसकी बैंड बजा रहे थे, पर लगता यूं है कि ट्रंप की छूट के बाद पाकिस्तान का डीजे भी बजने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान जब एक पत्रकार ने पूछा कि इमरान खान ने अलकायदा को ट्रेनिंग देने की बात स्वीकार की है, इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है, तो ट्रंप ने मोदी की तरफ इशारा करके कहा कि मोदी हैं सब संभाल लेंगे। कूटनीतिक भाषा में यह एक बड़ा बयान है। इस बयान का एक ही मायना है कि अमेरिका बालाकोट में की गई भारत की कार्रवाई का समर्थन भी करता है, और अगर भारत आगे से पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों को ठोकता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा है। इसका मतलब यह है कि सेना अध्यक्ष जिस काम के लिए बेचैन हुए जाते हैं उन्हें उसे करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान के दुर्दिन फिर से शुरू होने वाले हैं। इसे हर भारतीय इस तरीके से भी समझ सकता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के लिए पीओके में जिस प्रकार टेरर कैंपों को एक्टिवेट किया है और लॉन्च पैड पर आतंकियों का भारी जमावड़ा किया है, अब भारत उन पर कभी भी धावा बोल सकता है। संभव है कि इस बार एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई ना होकर कम दूरी की मिसाइलों से सीधे इन्हें जहन्नुम भेजा जाए। कश्मीर मुद्दे की आड़ में अपने आतंकी चेहरे को बचाने में जुटे पाकिस्तान को यह डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया करारा झटका है। बगैर लाग लपेट के बोले गए ट्रंप के इस बयान से पाकिस्तान और उसके आतंकी गुटों में हड़कंप मचना तय है, खासतौर से वे आतंकी जो लॉन्चपैड पर गधैया नर्तक करके जश्न मना रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए बेचैन हो उठे हैं। उन्हें लगता है भारत की तरफ से कभी भी उन पर मिसाइल गिर सकती है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया रात भर से ही बदहवास है। उन्हें लगता है अमेरिका से मिली खुली छूट से भारत को इसराइल की तरह आक्रामक होने का मौका मिल गया, अब कभी भी भारत की तरफ से हमला हो सकता है। अब पाक मीडिया अपने उस दावे को भी पुख्ता कर रहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने में ट्रंप और मोदी की पूरी तरह मिलीभगत थी, जिसके लिए पाकिस्तान को बुद्धू बनाया गया है। वैसे इसमें कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ने वाले फंटर ही होते हैं, इन्हें अकल होती ही नहीं है। शायद ट्रंप को इसका ज्ञान नहीं था, तभी तो पूछा था ऐसे लोग कहां से ढूंढ कर लाते हो। दरअसल यह सब पाकिस्तानी मदरसों की पैदाइश है जो दुनिया में गंदगी फैला रहे हैं, और मोदी इसी गंदगी को मिटाने का प्रण ले चुका है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।